Good morning, student of class 2nd. I am Nita Joshi from TT Public Senior Secondary School. Children's, we were doing lesson 9. The saving. Saving the birds. We have done half of the chapter, and now we are going to continue the chapter on page number 113 and 114. So please open your book. This is your English book class 3rd. चैप्टर नाइन सेविंग द बर्ड्स ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टीन वन हंड्रेड थर्टीन पर इसलिए कि मैं यहाँ पर आपको एक बार का शॉर्टली एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ ताकि आपको रिमेम्बराइज हो जाए ये चैप्टर हम क्या स्टोरी थी और क्या कंटिन्यू कर रहे थे पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टीन पर देखिए हमने कल देखा था कि चार घुड़सवार घोड़े पे बैठकर चार मैन जा रहे थे कंट्री के साइड से मतलब कि वो देश को घूमने निकले थे बारिश के दिन थे और जहाँ से वो निकल रहे थे वो जगह बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो रखी थी मतलब कि फिसले फिसलने जैसी हो गई थी वहाँ पर बहुत सारी घास उग गई थी अचानक से वो चारों मतलब वो चारों बातें करते हुए हंसते हुए जा रहे थे और अचानक से उनके ऊपर से कुछ गिरने की और फड़फड़ाने की आवाज आई फर्स्ट मैन जो था स्पीड उसने कहा कि ये क्या है छोटे बर्ड्स ही है जो गिर गए हैं अपने घोसलों से क्योंकि हवा इतनी तेज है जिसने इन बर्ड्स को गिरा दिया है दे आर टू यंग टू फ्लाई एंड द मदर बर्ड इज वरिड अबाउट वो उड़ने के लिए बहुत छोटे हैं और उनकी जो मदर है बर्ड वो वरिड हो रही है उनके लिए चिंता कर रही है ये कितनी पिटी बात है मतलब कि ये दया वाली बात है पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं दे आर ओनली बर्ड्स वो तो पक्षी है सिर्फ बर्ड्स है ऐसे बोलकर थर्ड मैन आगे निकल गया और अब वो आगे जाते जाते बोल रहे थे कि हम इसके लिए क्यों टेंशन ले एट द थ्री मैन पास बाय दे सॉ द लिटिल बर्ड फ्लटरिंग इन द कोल्ड वेट ग्रास एंड द मदर रॉबिन क्राइंग आउट उन्होंने देखा कि जब वो पास से निकले तो उन्होंने क्या देखा कि वो फड़फड़ा रहे हैं और उनकी जो मदर बर्ड है वो रो रही है क्राई कर रही है उन बच्चों के लिए तो इसलिए जो फोर्थ मैन थे उनका नाम था अब्राहम लिंकन वो रुक गए और अपने घोड़े से उतरे एंड वेरी जेंटली हेल्ड लिटिल वन इन द इन हिज बिग आर्म है उन्होंने उन दोनों को अपने हाथों में उठाया अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे 114 पर देखिए दे डिड नॉट सी फ्राइट दे चिप सॉफ्टली एज इफ दे न्यू दे वर सेफ वो बच्चे जो बर्ड के छोटे बच्चे थे वो डरे नहीं उनको ऐसा वो चहकते रहे उनको ऐसा लग रहा था कि हम सेफ हाथों में आ गए हैं नेवर माइंड नेवर माइंड माई लिटिल फेलोज सेन मिस्टर लिंकन आई विल पुट यू बैक इन योर ओन कोजी लिटिल बैड लिंकन ने क्या कहा कि तुम लोग चिंता मत करो मैं तुमको उठाकर तुम्हारी आराम करने वाली जगह पर छोड़ दूंगा देन ही लुक अप टू फाइंड द नेस्ट फ्रॉम विच दे हैड फॉलन फिर उन्होंने क्या देखा उनका घोंसला देखा कि जहां से ये गिरे थे कहाँ से गिरे थे घोंसले से बाहर ढूंढते ढूंढते वो घोंसले तक पहुंचे इट वॉज मच हायर देन ही कुड रीच घोसला बहुत ऊपर था वो उसके ऊपर सीधे से नहीं जा सकते थे बट मिस्टर लिंकन कुड क्लाइम ही हैड क्लाइम मैनी ट्री एज अ बॉय जब वो छोटे थे तो बहुत पेड़ों पर चढ़ते थे इसलिए वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने क्या किया ही पुट द बर्ड जेंटली वन बाय वन उन्होंने उन छोटे बर्ड्स को एक एक करके उस घोंसले में रख दिया

स्प्रिंग टू गिव देर हॉर्स वॉटर वो जो तीन आदमी थे वो घोड़सवार आगे जाकर एक जगह रुक गए क्योंकि वो अपने घोड़ो को पानी पिलाना चाहते थे वेअर इज अ लिंकन उनमें से एक ने कहा कि लिंकन कहा है आज वन ऑफ देम दे नोटिस दैट ही वॉज नॉट विथ दैम उन्होंने क्या नोटिस किया कि लिंकन हमारे साथ नहीं है ही हैड प्रोबली स्टॉप टू टेक केयर ऑफ दोज बर्ड्स एट स्पीड स्पीड ने क्या कहा कि जरूर वो उन बर्ड्स की केयर करने के लिए उन बर्ड्स को बचाने के लिए रुक गए हैं अ फ्यू मिनट लेटर मिस्टर लिंकन अपेर हिज शूज वर कवर्ड विथ मर्ड हिज कोट वॉज टोन इतने में क्या हुआ एक मिनट में ही लिंकन भी वहां पर पहुंच गए उन तीनों ने क्या देखा लिंकन का जो लिंकन के जो शूज और कोट थे वो सारे गीली मिट्टी से सने हुए थे भरे हुए थे मतलब कीचड़ से भरे हुए थे वेयर हैड यू बीन आस्क हर दिन हर दिन ने क्या पूछा कि तुम कहाँ रह गए थे अब ये आपका पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टीन हो गया है एक्सप्लेन करके अब पेज नंबर वन हंड्रेड फिफ्टीन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इतने आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है ओके